Hey guys, welcome back to my channel. So today I'm gonna be recreating the Neha Kakkar's prettiest look, that is the mehndi look. So let's begin. So the first thing I used is a serum. It's the Swiss Beauty 24 karat gold one. Guys, in this particular look this skin is really hydrated, so maine isliye serum ka istemal kara tha. If you don't have a serum, it's totally fine. आप एक अच्छा से मॉइस्चराइजर से अपने फेस पे मसाज कर सकते हैं. एंड देन आई यूज़ द वादी हर्बल लिप बाम टू मॉइस्चराइज माई लिप. वंस यू आर डन विद योर स्किन केयर, अब मैं इसे अपने स्किन पे 5 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी सो दैट इट रियली सीप्स डाउन इन माई स्किन. एंड नाउ आई एम यूजिंग एन हाईलाइटिंग प्राइमर. इट्स द स्विस ब्यूटी वन एंड आई टुक द वन पंप ऑफ इट. और ये काफ़ी अच्छा प्राइमर है, एक हाईलाइटिंग इल्यूमिनेटिंग सा ग्लो दे देता है, बट एट द सेम टाइम बिल्कुल भी इसके अंदर ऑयल और मॉइस्चराइजर्स नहीं है. एंड यू कैन जस्ट सी द ग्लो. नाउ आई हैव टेक द कंसीलर एंड मेक श्योर कि जो भी कंसीलर आप यूज़ करो ना वो आपकी स्किन टोन से काफ़ी क्लोज हो. और बेसिकली आपको इसे वहाँ लगाना है जहाँ भी आपको एक्स्ट्रा कवरेज रिक्वायर्ड रहती है, जैसे अंडर आई, अराउंड द माउथ, जहाँ जहाँ आपके पिगमेंटेड एरियाज है, पिम्पल्स है, पिम्पल मार्क्स है, आपको सिर्फ वहीं वहीं लगाना है इसे. और इसी से ही मैंने अपनी आईलेट्स को भी प्राइम कर लिया है. नाउ यू कुड सी मैंने कहाँ कहाँ कंसीलर लगाया है. और हम इसे 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे विदाउट ब्लेंडिंग इट. मीनवाइल मैंने अपना स्पंज लिया है और आप एक हैंकी या टिश्यू यूज़ करके ना सारा एक्सेस वाटर निकाल सकते हो सो दैट यू नो इट डज़ नॉट सोक सो मच कवरेज. And now I am using the Wet n Wild foundation and it's in the shade Toffee Pecan and I am mixing it with Swiss Beauty concealer to make my shade. और इसके बाद मैंने वही सेम हाईलाइटिंग प्राइमर लिया है और इन दोनों को मतलब तीनों को मिक्स कर लिया है अच्छे से. एंड उसके बाद मैंने इसे डॉट डॉट करके अपने फेस पे लगा लिया है. नाउ यू कुड सी इट्स वेरी लाइटर टू माय स्किन टोन बट इट्स ओके क्योंकि मेरी स्किन पे फाउंडेशन बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होता है, तो अगर मैं थोड़ा लाइट भी चली जाती हूँ इट्स ओके फॉर मी. एंड नाउ आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट विद अ स्पंज. आई हाईली रिकमेंड कि आप इस पर्टिकुलर लुक के लिए ना एक स्पंज यूज़ करो, ना ही ब्रश यूज़ करो, क्योंकि स्पंज से बहुत नेचुरल सी फिनिश आती है. सो अगर आप चाहते हो आपको थोड़ी सी और कवरेज चाहिए तो आप बिल्डअप कर सकते हो. और अब मैंने लिया है एक स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर और अपने पूरे फेस पे से स्प्रे कर लिया है. नाउ आई हैव टेक द ब्यूटी ब्लेंडर और इसे भी अपने पूरे बेस के साथ ब्लेंड करा है. गाइस, ये मेकअप फिक्सर एक नेचुरल फिनिश देता है, तो आप मैट मेकअप फिक्सर मत यूज़ करना, एक नेचुरल या ड्यूई मेकअप फिक्सर आप यूज़ कर सकते हो. अब मैंने लिया है लूज पाउडर, इट्स फ्रॉम फिट मी. और अब मैं इसे अप्लाई करूँगी अंडर द आई और अपनी आईलेट्स के अराउंड, क्योंकि यहाँ पे फाउंडेशन जनरली थोड़ा केकी हो जाता है एंड वी डोंट वांट दैट. और मैंने एक बहुत ही स्मॉल ब्रश लिया है ताकि मेरे पूरे फेस पे पाउडर ना लगे. और मैंने थोड़ा अराउंड द माउथ और अराउंड द नोज़ भी लगाया है. आई हैव टेक द स्विस ब्यूटी 2-in-1 पॉट और इसमें से मैंने इनका आईब्रो प्रोडक्ट इस्तेमाल करा है जस्ट टू फिल माई आईब्रोज. इस मेकअप लुक में बहुत ही ज़्यादा नेचुरल सी ही आईब्रोज है, तो आपको ओवरडू बिल्कुल भी नहीं करनी है, बस थोड़ा सा आपको फिल इन कर लेना है लाइक आई एम डूइंग वेरी लिटिल बिट. और अब मैंने लिया है एक ब्रश और स्पूली और इससे अच्छे से अपने आईब्रो को ब्रश कर लिया है ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए प्रोडक्ट. अब मैंने एक आईलैश कलर से अपनी आईलैशेस को कर्ल करा है. अब मैंने लिया है मेबलिन सेंसेशनल मस्कारा और उससे मैंने अपने आईलैशेस को अच्छे से कोट करा है. यू नीड टू कोट देम रियली रियली वेल. अच्छे से आपको रूट्स पे विगल करते हुए अपने मस्कारा को ऊपर लेके जाना है. एंड मैंने एक नई टेक्निक यूज़ करी है इसमें कि मैंने जो टिप है ना अपने मस्कारे की उससे मैंने रूट्स पे लगाया सो दैट इट गिव्स अ मोर लिफ्टेड लुक टू माई लैशेस. एंड नेक्स्ट आई यूज़ दिस बायोफ्रेश लिपस्टिक एंड इट्स अ बाबी पिंकी कलर, वेरी प्रिटी, जैसे उन्होंने ब्लश लगाया था. मैं अब अपनी फिंगर्स को लेके इसे धीरे धीरे अपने चीक बोन्स और माई एप्पल ऑफ चीक्स और नोज और चिन सब पे लगाऊंगी. वेरी वेरी स्लोली आप इसे लगाना और मेक श्योर कि आप एक क्रीमी लिपस्टिक का यूज़ करो, नॉट अ मैट लिपस्टिक, क्योंकि हेयर हमें थोड़ा सा अच्छा सा ग्लो चाहिए. एंड देन आई हैव यूज़ द सेम ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड एवरीथिंग इन एंड यू कुड सी द पिंकी ग्लो ऑन माई फेस. अब मैं अपने आई लैशेज को सेकेंड कोट दूंगी मस्कारा का बिकॉज आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द वन कोट. और अगेन आपको अच्छे से विकल करके लगाना है. मेक श्योर कि आपकी जो लैशेज है ना वो क्लम्जी और एक दूसरे से चिपक ना जाए बिकॉज दैट विल नॉट लुक गुड एनी हाउ. एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम लुकिंग सो सीरियस राइट नाउ. और अपनी नीचे वाली आई लैशेज को भी आपको अच्छे से कोट करना. आई डोंट नो वाई बट मेकिंग दिस वियर्ड फेस रियली हेल्प्स मी टू गेट द मस्कारा ऑन माई लोअर लैश लाइन रियली रियली वेल.
एंड गाइस एज ऑलवेज आई मेस्ड अप द मस्कारा और आप देख सकते हो मेरी पूरी आईलेड और थोड़ा सा नीचे भी मस्कारा फैल गया है. नाउ आई हैव टेक अ हाईलाइटर और मैंने बहुत थोड़ा सा प्राइमर लिया है और इससे मैंने मिक्स करा है टू मेक द लिक्विड हाईलाइटर. गाइज अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन इसमें लिक्विड हाईलाइटर ही यूज़ हुआ होगा एंड नाउ आई एम टेकिंग वेरी लाइटली एंड अप्लाइंग ऑन माई चीक बोन्स, नोज, टिप ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, चिन एंड अनदर चीक बोन. नाउ इस हाईलाइटर के साथ आपको थोड़ा सा पेशेंटली काम करना होगा और अच्छे से ब्लेंड करना होगा सो दैट एक ही जगह बहुत ज़्यादा इकट्ठा ना हो जाए एंड यूज़ योर फिंगर नॉट अ ब्रश. एंड उसके बाद मैंने फोरहेड पर भी थोड़ा इस बार ज़्यादा हाईलाइटर लगाया था एंड यू कुड सी द ग्लो. And now I am again taking that 2-in-1 Swiss Beauty thing और इसमें से इस बार मैं liner use करूँगी. So I was very much confused कि liner use किया है या नहीं किया है and at the end I made a decision कि liner use हुआ है और मैंने बहुत ही ज़्यादा पतली सी thin line draw करी है eyeliner की. Took the Elite lipstick and it's a very bright and red orange तो मेरे को इसे थोड़ा सा neutralize करना था इसलिए मैंने एक beige shade का lip liner use करा है and I lined my lip really well. सो दैट जो मेरे लिप्स है वो काफ़ी ज़्यादा डिफाइंड लगे. और आपको अच्छे से अपने लिप्स को लाइन करना है, आप ओवर कर सकते हो, नहीं करना है मत करो, इट्स टोटली योर चॉइस. एंड देन आई टेक माई लिपस्टिक और मैंने बहुत ही धीरे धीरे से डैप करना स्टार्ट करा था बिकॉज मुझे बहुत ही ज़्यादा कलर नहीं चाहिए था. एंड गाइज नाउ यू कुड सी कितना प्यारा ऑरेंज न्यूट्रलाइज कलर निकल के आया है वेरी क्लोजर टू हर लिपस्टिक और आपको इसे अच्छे से ब्लेंड करना है, दैट्स द रियली टिप. और इसमें अगेन आपको एक मैट लिपस्टिक यूज़ नहीं करनी है. हर लिपस्टिक वॉज ऑफ सैटिन फिनिश एंड नाउ आई एम टेकिंग अ कॉटन बर्ड और अब अपनी जो मैंने सारा मेस फैलाया था ना मैंने अब उसे साफ करा एंड इट वॉज जस्ट अ 2-second जॉब बट आई वॉज रियली हैप्पी विद दिस टेक्निक. एंड लास्टली अगेन मैंने मेकअप फिक्सर लिया है टू सेट ऑल माई फेस एंड देन अगेन मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और अच्छे से सब चीज़ों को अच्छे से मैंने ब्लेंड करा है. एंड फिर मैंने थोड़ा सा हाईलाइटर लिया है, बहुत थोड़ा सा, और अपने फोरहेड और थोड़ा सा चीक बोन पर लगाया है टू रिफ्रेश दैट हाईलाइटर. देन अगेन आई टुक द लिपस्टिक एंड रिफ्रेश माई ब्लश. बहुत थोड़ा सा लगाना है गाइस क्योंकि मेकअप फिक्सर इस वक्त गीला था तो जो मेरा ब्लश है और जो मेरा हाईलाइटर है ना कहीं नहीं जाने वाला है. दैट्स वाई आई यूज्ड इट अगेन एंड अगेन ब्लेंडिंग इज द की. Also guys, I added the lip gloss. It's from the Swiss Beauty again. It's personally your choice कि आपको gloss add करना है या नहीं करना है. And here is the final look. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say